दोस्तों जब फिल्म इंडस्ट्री की बात हो तो सबसे पहले हर किसी के जहन में नाम उभर कर आता है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का। दरअसल बॉलीवुड एक ऐसा फिल्म उद्योग है जहां हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई और रिलीज की जाती हैं। इस साल भी बॉलीवुड जगत बहुत सी फिल्मों की सौगात लेकर आया है। आज इस वीडियो के जरिए हम पूरे साल की तो नहीं बल्कि इस महीने की 11 तारीख को रिलीज होने वाली 8 फिल्मों की बात करने वाले हैं। तो आइए बताते हैं आखिर कौन कौन सी फिल्में 11 जनवरी को रिलीज होने वाली हैं। प्यार से प्यार तक, यह एक बॉलीवुड रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सौम्या सुप्रिया ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में मेहना हालदार नजर आएंगे। बम्बईरिया एक बॉलीवुड मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पिया सुकन्या कर रही हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में राधिका आप्टे, सिद्धांत कपूर, अक्षय ओबेरॉय, शिल्पा शुक्ला और आदिल हुसैन नजर आएंगे। रंगीला राजा, इस फिल्म का निर्देशन निहलानी ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता गोविंदा के साथ साथ मिशिका चोरसिया, अनुपमा अग्निहोत्री, दिगांगना सूर्यवंशी भी शामिल हैं। हिंदी सिनेमा को कई यादगार और बेहतरीन देशभक्ति फिल्में देने वाले सनी देओल इस फिल्म में नजर आएंगे। T4 ताजमहल, यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन किरित खुराना ने किया है। फिल्म में सुब्रत दत्त अली, फॉल्कनर, बिलिता बेग, मनोज पहुआ और पितोबश मुख्य भूमिका में होंगे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यह 2018 की एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रत्नाकर गुट्टे ने किया है। फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अर्जुन माथुर राहुल गांधी के किरदार में और आहाना कुमार प्रियंका गांधी के रोल में नजर आएंगी। बटालियन 609, इस फिल्म के निर्माता ब्रजेश बटुकान त्रिपाठी हैं। फिल्म में सोहेब इब्राहिम, एलिना कजान और फरहान शेट्टी दिखाई देंगे। दोस्तों हमारी लिस्ट की 8वीं और अंतिम फिल्म का नाम है उरी। फिल्म उरी सितंबर 2016 की एक रियल घटना पर आधारित देशभक्ति फिल्म है, या यूं कहें कि यह फौजियों पर आधारित बनी फिल्म है जिसमें विक्की कौशल और यामी गौतम लीड रोल में हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह भारत ने LOC पर जाकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटैक का बदला थी। अगर आप देशभक्ति फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप यह फिल्म जरूर देखें। तो दोस्तों ये थी उन फिल्मों की लिस्ट जो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही हैं। आप इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।